निकाल दो और वहां से पता लगा कहां पे बता दो प्लीज डोंट गेट प्लीज हैंडल गुड इवनिंग एवरीवन कंडीशन इज स्टेबल सिंस द टाइम ऑफ एडमिशन देयर हैव बीन मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस दैट हैव बीन डन एंड वी हैव रोप्ड इन द कंसर्न्ड कंसल्टेंट्स इज अ प्राइमरी कार्डियोलॉजिस्ट इज डॉक्टर नितिन गोखले ही हैज रिव्यूड हिम ट्वाइस टुडे इटसेल्फ डॉक्टर कीर्ति उपाध्याय द नेफ्रोलॉजिस्ट हैज सीन हिम डॉक्टर हेमंत पाठक हु इज द यूरोलॉजिस्ट हैज ऑल्सो रिव्यूड हिम Dr. Sharad Shah, the senior most gastroenterologist, had paid a visit to him. We have taken a consensual decision in regards to the investigations and the modality of treatment. Certain investigations are still going on. He is stable at present, but we will keep a close watch on him for the next 48 hours or so. And we shall be giving you an update as and when required. हिंदी में बताइए कि अभी तक अभी उनकी क्या कंडीशन है और क्या हुआ एग्जैक्टली कंडीशन जब से एडमिट हुए हैं उस वक्त से अभी तक उनकी कंडीशन ख़राब नहीं हुई है उल्टा थोड़ी सी बेहतर है कुछ इलाज जो देना था उसके लिए हम लोग ने उनके जो दूसरे डॉक्टर्स जो हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के वो लोग भी आए थे और हमने सब मिलकर तय कर लिया है कि क्या इन्वेस्टिगेशन करना है और कौन सी दवाइयाँ उनको देनी है अगले दो दिन महत्वपूर्ण के रहेंगे क्योंकि हमें उसमें देखना है कि उनका प्रोग्रेस कितना हो रहा है डॉक्टर नितिन गोखले कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए थे डॉक्टर कीर्ति उपाध्याय जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो थे डॉक्टर हेमंत पाठक जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो भी आए थे डॉक्टर शरद शाह वो इज़ अ सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट वो भी आए थे और डॉक्टर अनिरुद्ध फटके उनको आके रिव्यू करने वाले कुछ टेस्ट और बाकी हैं विच आर स्पेशलाइज्ड टेस्ट वो हम अभी कर रहे हैं सर क्या कुछ सीरियस है आप ये बताएं मतलब लाइक इजी वेरी सीरियस मतलब एक्चुअल में हुआ क्या है कुछ हमें पूरा बताएं जरा नो ही हैज़ कम उनको इन्फेक्शन हुआ था लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था उनको बुखार था और थोड़ा जिसे हम कहते हैं सेप्सिस या सेप्टिसीमिया तो वो कंट्रोल में लाना चाहिए उम्र का तकाजा है ही इज़ 94 ईयर्स ओल्ड सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस इन गिविंग द ट्रीटमेंट आल्सो एंड डूइंग द इन्वेस्टिगेशन आल्सो क्या उनकी हिस्ट्री है क्या हिस्ट्री फॉर दिस की मतलब पहले भी इसमें ऐसा हुआ है नहीं इस उम्र में तो निमोनिया किसी को भी हो सकता है उन्हें बुखार आया था दो तीन उल्टियाँ हुई थी थोड़ा एस्पिरेशन भी हुआ था WBC काउंट भी बढ़ चुके थे और जो इन्फेक्शन के मार्कर थे वो भी हाई He was facing problem while breathing. Is that that has improved or not? That is improved. That is not deteriorated. Unka oxygen saturation वगैरह सब सही है. Sir, अभी कुछ खा भी? Out of danger तो हम अभी इस वक्त नहीं कह सकते. हमें और दो दिन तो भी देखना पड़ेगा. 48 घंटे में अगर improvement होता है और कोई deterioration नहीं होता है तो then of course he'll be out of danger. इस वक्त उनको ICU की ज़रूरत तो नहीं है. लेकिन हम उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन में सर अभी खा पी रहे हैं वो लाइक इजी डाइट जी अभी खा पी रहे हैं और कॉन्शियस भी हैं लेकिन उनको लिमिटेशन थोड़ा डिहाइड्रेशन वगैरह था तो हमको सब बैलेंस करके देना पड़ा अभी उनके साथ में कौन कौन है इस समय यहाँ पे गए उनकी मिसेस सायरा बानो जी हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह एंड उनके जो रोज़मर्रा के जो लोग उनको मदद करते हैं उठने बैठने में हर चीज़ में घुमाने में वगैरह उनकी जो देखभाल करते हैं वो लोग नहीं वो उसके बारे में मुझे पता नहीं सर थोड़ा ये एक चीज़ आप एक बार तो कह रहे हैं कि लाइक ही इज़ नॉट आउट ऑफ डेंजर बट साथ ही से कह रहे हैं कि लाइक ही इज़ ओके ही इज़ ईटिंग एंड एवरीथिंग तो ये थोड़ा सा हमें मतलब देखिए 94 ईयर ओल्ड जब मरीज़ रहता है और उसको अगर कोई वाइटल ऑर्गन्स पांच रहते हैं एक या दो ऑर्गन पे अगर उसका कुछ असर पड़ता है तो कब खराब हो सकते हैं ये इंसान बोल नहीं सकता ना डॉक्टर्स लोग कह सकते हैं तो उसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए हम लोग भगवान तो नहीं है कि बोल सकते हैं कि दैट ही इज़ टोटली आउट ऑफ डेंजर
सर एक चीज, अगर मतलब ठीक हो जाए तो कब तक डिस्चार्ज होने की उम्मीद है? उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, हम और 72 आवर्स देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। सर आप हमें बार मतलब रोज आके अपडेट करते रहेंगे? जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मराठी 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 पाई जाएगा तला मराठी 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 मरा